हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे। दोस्तों, अगर आपने NSTL पोर्टल से पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए ऑर्डर किया है तथा आपके पास रीप्रिंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप है और आप अपना रीप्रिंट पैन कार्ड का स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे रीप्रिंट पैन कार्ड स्टेटस और गूगल सर्च कर देंगे। यहाँ पे ये जो फर्स्ट लिंक है NSTL की, इस लिंक पर क्लिक करके आप इस लिंक को ओपन कर लेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैन न्यू चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करना होता है, यहाँ पर 15 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर। जब आप रीप्रिंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई किए होंगे तो आपको कुछ इस तरह से रिसीविंग मिला होगा। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा 15 डिजिट का, यही एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको वहाँ पर फिल करना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मैसेज दिखाई देगा, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। ये मैसेज कुछ टेक्निकल इशू के कारण मिलता है। अगर आपको इस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो चाहिए कि ये एरर क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।